नमस्कार दोस्तों, एड्रोइट कॉम्पिटिटिव क्लासेस पे आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप घर में सब अच्छे होंगे, पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, इस मिशन सफलता बैच की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हमने दो चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे, परसेंटेज एंड प्रॉफिट एंड लॉस। आज हम करने वाले हैं डिस्काउंट चैप्टर। तो डिस्काउंट में ये देखा जाए तो परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस ही आपस में रिलेटेड चैप्टर ही हैं। कुछ ऐसा नहीं है कि आप नया पढ़ने वाले हैं तो कहीं ना कहीं बस छोटी छोटी बातें नई आएंगी, बट कनेक्शन जो है वो परसेंटेज से चलता है, उसी की चर्चा आगे करेंगे। तो देखिए आज क्या है समझते हैं। तो एक बार इंडेक्स को मैं दोबारा से देख लेता हूँ। इंडेक्स में क्या है कि एक तो आपने भाई ये परसेंटेज चैप्टर है ये हमने कंप्लीट कर लिया था, एक प्रॉफिट एंड लॉस है ये आपने कंप्लीट कर लिया था। और अगर हम बात करें आज जो हम करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं डिस्काउंट चैप्टर, ठीक है। तो डिस्काउंट की चर्चा आज हम करते हैं, काफ़ी अच्छा चैप्टर है और एग्ज़ाम में काफ़ी संभावना भी रहती है क्वेश्चन आने की। तो चलिए समझते हैं क्या है इस चैप्टर में। जब भी कभी क्वेश्चन समझने से पहले मैं कुछ बेसिक बातें आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि अगर हम बात करें एमआरपी की, अगर हम बात करते हैं एमआरपी की कि भाई एमआरपी जब भी कभी आप शॉपिंग करने जाते हैं या कोई भी वस्तु खरीदते हैं तो उस पर एक एमआरपी का टैग ज़रूर लगा होता है, यानी कि दुकानदार उससे ज़्यादा का भाई वो अमाउंट नहीं ले आपसे चार्ज कर सकता। तो एमआरपी जब भी कभी मान लीजिए कि 100 रुपये एमआरपी है, अब दुकानदार ने कहा आपसे कि भाई मैं 10% का आपको डिस्काउंट दूंगा, यानी कि इतने रुपए की आपको छूट मिलने वाली है, यानी कि आपको इतने रुपए कम देने वाले हैं। तो फाइनली आप कितने रुपए पे करके आओगे? तो भाई आप कह सकते हो 100 रुपए की चीज़ थी वो आपको 10% का डिस्काउंट देगा, और यानी कि 10 रुपए का आपका डिस्काउंट होगा। तो 100 में से अगर आप ये 10 माइनस कर देते हो तो फाइनली आपने वो चीज़ कितने की सेल कर दी होगी? 90 की। यानी कि जो चीज़ 100 रुपये की का एमआरपी था वो आप फाइनली 90 रुपये में आप खरीद के लाए हो। इतनी बात समझ में आती है? तो ये भाई एमआरपी। इसमें जो ख़ास बात आपने ध्यान रखनी है कि जो डिस्काउंट है, यानी कि जो डिस्काउंट मिलता है, इज़ ऑलवेज ऑन एमआरपी। डिस्काउंट जो होता है वो हमेशा आपको एमआरपी पे ही मिलता है, आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये एक बेसिक सी बात थी कि एमआरपी पे भाई एमआरपी क्या होता है, डिस्काउंट क्या होता है, देन सेलिंग प्राइस कैसे आता है, और डिस्काउंट हमेशा हमेशा एमआरपी पे ही आपको मिलेगा। अब चलिए सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्या कहा गया? कह रहे एक व्यक्ति है 20% के दो समान डिस्काउंट, यानी कि बट्टा डिस्काउंट आपको मिलता है। तो फाइनली ये बताओ सिंगल डिस्काउंट क्या होगा? अच्छा, कई बार आपने ये देखा होगा दुकान के आगे ऐसा लिखा होता है कि 30% प्लस 20% का डिस्काउंट है। तो क्या हम ये मान लें कि भाई ये 50% के बराबर होगा? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ये 50% देखने में भले लगता है कि 30 जमा 20 50 है, बट एक्चुअल में 50 होता नहीं है। तो सर ये कितना होता है? तो चलिए हम उसी की बात करते हैं। मान लीजिए, ये भी हम एग्जांपल से समझते हैं। पहले 100 रुपये की एक चीज़ थी, पहले हमने डिस्काउंट दिया 30% का, यानी कि 30 रुपये कम हो गए, फाइनली वो कितने का बच गया? 70 रुपये का। अभी एक डिस्काउंट और रहता है, तो यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि जब आप अगला डिस्काउंट देंगे 20% का, तो 70 का 20% क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 14 रुपये। यानी कि आप ये चीज़ कितने की सेल करोगे? तो आप कहोगे भाई 56 रुपये की। यानी कि अगर हम देखें तो 100 रुपये की चीज़ मैंने कितने की बेची है? 56 रुपये की। तो हमने कितने रुपए यहाँ पे कम कर दिए? तो भाई आप देख सकते हो कि 44% अमाउंट में कमी आई है, और यही आपका एक्चुअल में डिस्काउंट है। यानी कि आप फाइनल डिस्काउंट बोलोगे अलग अलग ना कह के कि 30-50 है, आप सिंगल अगर बात करते हैं तो वो कितने का कहलाएगा? 44% का कहलाएगा। तो भाई ये साइकोलॉजिकली अगर हम देखें तो 50 दिखता है, बट एक्चुअल में है कितना? तो 44 है। इतनी बात समझ में आती है? तो 44% का ही आपको डिस्काउंट मिलेगा। अब यही चीज़ मैं आपसे कहूँ कि भाई चलो ये तो मैंने नंबर मान के किए, आप ये बताओ कि ऐसा कोई फॉर्मूला है क्या जिससे हम डायरेक्टली आंसर निकाल सकें? तो बिल्कुल एक फॉर्मूला है, तो चलिए हम उसकी चर्चा करते हैं। तो भाई सिंगल डिस्काउंट निकालने का फॉर्मूला है ये आपके सामने। पहला डिस्काउंट आपका 30 है, दूसरे वाला आपका 20 है, और फिर है 30 गुणा 20 बटे में 100 बराबर कितने के है? तो भाई इससे हमने इसे कैंसिल कर लिया, नीचे से 2 जीरो गई।
तो कितना रह गया ये 30 और 20, 50 में से ये 6 गया, कितना बच गया? तो आप कह सकते हैं 44%। ये भाई आपका आंसर हो जाएगा। हाँ जी, क्या ये बात समझ में आती है? तो आप ये कह सकते हैं कि जो डिस्काउंट आपका 44 है, वो भले इन्होंने लिखा हुआ था 30 और 20, बट एक्चुअल में वो 44 है। तो ये तो भाई एग्जाम्पल था सारा कुछ। आप मुझे इसका आंसर बताएं कि क्या होना चाहिए इस पहले सवाल का आंसर। तो पहले सवाल का आंसर क्या बनेगा वो देखते हैं। एक डिस्काउंट 20 का है और दूसरा भी 20 का है, तो इसको अगर मैं सिंगल बना के देखूँ तो क्या रहेगा? तो आप फॉर्मूला समझ चुके हैं भाई सिंगल का। तो एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100। तो पहली वैल्यू 20 है, अगली वैल्यू भी 20 है, और माइनस 20 × 20/100। 0 कैंसिल कर दी मैंने सारी। तो आप देख पा रहे हैं कितने परसेंट का डिस्काउंट है, 36। तो जो इसने कहा था कि 20 और 20 है, यानी कि दो डिस्काउंट मुझे 40 के, अगर एक नॉर्मली हम सोचेंगे तो 40 लगेगा, बट एक्चुअल में है कितना, वो 36% का डिस्काउंट है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट है। क्या क्लियर है भाई डिस्काउंट के बारे में बातें? तो ये आपने कुछ बेसिक बातें समझी कि डिस्काउंट क्या होता है। अगर हमें दो डिस्काउंट मिल जाए तो भाई उसको सिंगल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब ये तीन मिल जाए तब भी भाई हम कन्वर्ट कर सकते हैं। फिलहाल ये दो के लिए था, तीन को भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? पहले आप दो को सोल्व करेंगे, देन जो वैल्यू आएगी उसको तीसरे के साथ सोल्व करेंगे। चलिए हम चर्चा करते हैं कुछ और सवालों की। तो क्वेश्चन नंबर दो है, इसमें देखते हैं क्या है। एक डिस्काउंट है 25% और एक डिस्काउंट है 10%। तो भाई क्या होगा इसका फॉर्मूला? अप्लाई करते हैं तो 25 जमा 10 माइनस 25 × 10/100। तो ये तो हो गया 35, माइनस ये कितना हो जाएगा 2.5, और अगर हम इसे सॉल्व कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, 32.5। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्या ये बात समझ पा रहे हो भाई? हाँ जी प्यारे बच्चों, समझ पा रहे हो? चलो अच्छा, इसमें बताओ इसने क्या कहा, पी परसेंट क्यू परसेंट के दो डिस्काउंट है। आप जरा ये बताओ कि अगर हम उसका अकेला छूट निकालें तो क्या होना चाहिए? यानी कि इनडायरेक्टली वो आपसे क्या पूछ रहा है भाई, फॉर्मूला पूछ रहा है, फॉर्मूला बता दो। तो हमने क्या पढ़ा था, फॉर्मूला बी ऑप्शन लिखा हुआ है, पी प्लस क्यू माइनस पी क्यू बाई 100। ये भाई आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। हाँ जी चलिए, अब बारी आ गई तीन डिस्काउंट की, 20, 15 और 10। तो भाई इसे आप कैसे डील करोगे? तो पहले हम दो की बात कर लेते हैं, 20 और 15 की, फिर हम उसके बाद एक 10 को भी इंक्लूड कर लेंगे। तो जब मैं 20 और 15 का डिस्काउंट निकालूंगा तो भाई क्या आ जाएगा, ये हो गया 35 माइनस, इसे अगर मैं कट कर दूं तो भाई ये रह गया 32%। यानी कि जब मैंने इन दोनों को सोल्व किया तो 32% आया। अब बारी आती है 10 के साथ। अब 32 का और 10 का भी निकालते हैं क्या सिंगल डिस्काउंट आएगा। तो 32 जमा 10 माइनस 32 × 10/100, यानी कि ये हो गया 42 माइनस 0 से 0, और ये हो गया 3.2 माइनस। अगर मैं कर दूँ तो क्या आ जाएगा, तो आप कहेंगे 38.8। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। हालांकि आप इतना भी देख सकते हैं, लास्ट में 0.2 माइनस हो रहा है तो 0.8 बचना चाहिए, 0.8 आपका ए की ऑप्शन में, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ पा रहे हो भाई? कोई मुश्किल काम नहीं चल रहा, बड़े सिंपल से सवाल हैं, बेसिक सवाल चल रहे हैं, ताकि आप अपने डिस्काउंट चैप्टर को ईजिली समझ पाए, ताकि कुछ ऐसा ना लगे कि एकदम से मुश्किल क्वेश्चन आ गए और भाई आपका फ्लो ही नहीं बन पा रहा। तो बड़े आसान से सवाल डाले मैंने ताकि आप चीज़ों को समझ पाएँ, ताकि बेसिक से समझ पाएँ, क्योंकि एक बार आपका बेसिक क्लियर हो गया, यानी कि आपने चीज़ों को अंडरस्टैंड करना शुरू कर दिया, तो बड़े क्वेश्चन अगर आते हैं तो ऑब्वियस ही बात है आप स्टार्ट कर पाएंगे, उसे आराम से हैंडल कर पाएंगे। अगर मुश्किल ही क्वेश्चन हम पहले ही करा देंगे तो भाई बेसिक ही आपका समझ में नहीं आएगा कि हुआ क्या। ठीक है, तो कंसर्न ये है कि आपको समझ में आना चाहिए, और नए सवाल तो भाई आप डील करना सीख ही जाओगे जब आपको बेसिक आता हुआ। एक वस्तु है जिसका भाई जो MRP है वो है 80 रुपये। दुकानदार ने 5% और 5% की दो छूट दी है, पहले 5 फिर 5, तो फाइनली वो चीज़ कितने की सेल हुई होगी? तो देखें ज़रा, 80 रुपये की चीज़ थी, पहला डिस्काउंट मिला 5% का, तो 80 का अगर मैं 5% निकालूँ तो कितने रुपये आएगा, 4 रुपये।
तो ये चीज़ कितने की रह गई, 76 की। अब 76 की रह गई तो भाई हमने अब दोबारा से एक डिस्काउंट लिया 5% का। अब भाई 76 का 5% आपको निकालना है, तो अब इसका सबसे आसान तरीका भाई क्या होता है वो समझो। किसी का 5% निकालना है भाई, 76 का पहले आप 10% निकाल लो, कितना आएगा? तो भाई एक डेसिमल ही तो लगाना है, तो 10% की वैल्यू आ गई 7.6। इसका हाफ कर दो तो ये 5% को शो करेगा, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा, 3.8। तो इसमें से मैंने माइनस कर दिया 3.8, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 72.2। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है, क्योंकि लास्ट में 0.8 घटा रहे हो तो 0.2 बचेगा। अब ये है 0.2, यहाँ भी है 0.2। भाई आप 76 में से इतना थोड़ी घटा रहे हो कि आप 7 पे चले जाओगे, आपने तो नॉर्मली 4 के अराउंड वैल्यू घटाई है, तो ज़्यादा तो कम होगा नहीं, रहेगा तो 70 से ऊपर ही। तो आपका ऑप्शन नंबर ए रहेगा, हालांकि कोई ऐसी बड़ी वैल्यू है भी नहीं है, घटाना मुश्किल काम हो, आप इजीली घटा भी सकते हैं। हाँ जी सर, क्लियर हो गया। चलो फिर अगला क्वेश्चन सेम ऐसा ही है। एक दुकानदार 240 रुपये की वस्तु को 10% 5% की छूट पे बेचता है। 240 की एक चीज़ थी, 10% का हमने डिस्काउंट दे दिया, मतलब कि 24 रुपये हमने इसमें से कम कर दिए, क्योंकि 10% निकालना सभी का आसान है। अगर जीरो है तो जीरो कट कर दो, एक 10% बन गया। जीरो नहीं है तो एक डेसिमल लगा दो, तो भी आपका 10% आ गया। अब माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 216। अब इसमें से अगर मैं माइनस करता हूँ कितना, 5%। ओके, अब ये वाली चीज़ है भाई जो समझने के लिए। अब 216 का अगर आप 5% निकालना चाहते हैं तो मैं तो ये कहूँगा पहले आप इसका 10% निकालें। तो आपने देखा कि इसका 10% तो बताना बेहद आसान है, 21.6 आएगा। फिर आप इसका 5% निकालना चाहते हैं, तो भाई 10% की वैल्यू ये है, तो इसका 5% निकालने के लिए आप इसको हाफ कर दो, तो ये कितना आ जाएगा, 10.8। यानी कि इसमें से मुझे 10.8 घटाना होगा। अब यहाँ पे अगर आप 0.8 माइनस कर रहे हो लास्ट में, क्या घटा रहे हो, इसमें से ये घटा रहे हो, इसके एंड में 0.8 है, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद 0.2 ही तो बचेगा। अब 0.2 आपके कौन से ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए में है, तो ये भाई आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ऑप्शंस का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है, आप इसकी अहमियत को समझें, क्योंकि सॉल्यूशन निकाल के ऐसा नहीं कि आपने लिखना है जैसे आप 10th 12th में करते थे, यहाँ पे तो भाई आपके सामने ऑप्शन है, तो कहीं ना कहीं सवाल करते हुए आपने ऑप्शन की भी हेल्प लेनी है। तो इससे डेफिनेटली हमारे एक दो स्टेप तो बचते ही बचते हैं, जैसे कि आपने देखा घटाने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ी कि भाई क्या आएगा, क्योंकि हमें अपने ऑप्शन मार्क करने हैं, ठीक है, हमें कोई सॉल्यूशन का डिस्क्रिप्शन नहीं देना, वहाँ पे उसके कोई नंबर नहीं मिलने, हमें अपने नंबर मिलेंगे मार्क करने के। क्वेश्चन नंबर 7 देखना क्या कहा गया। एक वस्तु की कीमत 5,000 रुपये है और आपने इस पे 3 डिस्काउंट दिया। अब जो डिस्काउंट है वो एक्स वाई की फॉर्म में, एक्स वाई जेड की फॉर्म में, तो भाई इसे आप क्या करोगे। तो मान लीजिए मैं आपसे एक बात कहूँ, उससे पहले मैं एक नंबर लेता हूँ उससे समझते हैं। मान लीजिए 5,000 की ही चीज़ थी, मैं आपसे कह रहा हूँ कि 10% का डिस्काउंट देना है, तो SP क्या होगा, कितने की वो चीज़ आप सेल करोगे। तो आप यहाँ पे सबसे आसान तरीका क्या फॉलो करोगे, 5,000 की चीज़ है, अगर आप 10% का डिस्काउंट दे रहे हो तो कितने का सेल कर रहे हो। तो आप कह सकते हो सर हम उसे 90% में सेल कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई बाई 90/100 कर दोगे, और इसे अगर मैं कट कर दूँ तो आप कह सकते हो कितने की चीज़ ही हम बेच देंगे, तो 4,500 रुपये में हम ये चीज़ सेल कर देंगे। यानी कि डिस्काउंट आपको 10 का मिल रहा है तो वो चीज़ 90 में सेल हो रही है, 20 का मिल रहा है तो 80 में सेल हो रही है, इतनी बात क्लियर है। अब इसी चीज़ को, जो ये चार ऑप्शन आपको मिले हैं डिस्काउंट है एक्स वाई जेड परसेंट का, तो हम इसे कैसे डील करेंगे। तो मैंने लिखा भाई 5,000, ये जो आपका MRP है, पहला डिस्काउंट आपका एक्स परसेंट का है, यानी कि मैं लिख दूंगा 100 में से घटा के, और क्योंकि परसेंट है तो भाई मुझे डिवाइड में 100 तो लिखना ही होगा, क्योंकि परसेंटेज का सिंबल भी है साथ में, मल्टीप्लाई। अब दूसरा डिस्काउंट वाई का है, तो आप भाई 100 - y कर सकते हो, और डिवाइड में आपके 100 तो आना ही है। और तीसरे की बात करूँ तो 100 - z है, डिवाइड बाई 100 है ये चीज़ें हमने यहाँ पे लिख दी। ओके, अब क्या होगा, 00 ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल।
बस इसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं, ना मल्टीप्लाई होनी ना कुछ और, क्योंकि ऊपर तो यही रहना है एज इट इज़। नीचे बस आप कह सकते हो 200 की मल्टीप्लाई 200, हालांकि 200 सभी में है, उसके अलावा आप देख लो भाई ये चीज़ें कहाँ हो रही हैं, तीनों नेगेटिव में है, तीनों नेगेटिव मुझे दिखाई दे रहा है कहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी में, और डिवाइड में 200 तो सभी के है ही। बस ये इसका आंसर है, कोई मुश्किल काम नहीं था इसमें, आसान सी चर्चा करनी थी। चलो जी आगे बढ़ते हैं, क्या कहा गया, एक दुकानदार ने 15% की छूट की घोषणा प्रत्येक प्लास्टिक के खिलौने पर किया, लेकिन 4% का अतिरिक्त छूट ग्राहक को दे दिया गया। अगर कोई नगद मूल्य देता है तो उसे हम अलग से एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी दे देते हैं, ठीक है। आपने सुना है कभी, एक ट्रेड डिस्काउंट होता है, एक कैश डिस्काउंट होता है। ट्रेड का मतलब ये है कि वो तो हर किसी को मिलता है, और कैश का मतलब होता है कि कई दुकानदार कहते हैं अगर आप अभी पेमेंट कर देते हो तो इतना डिस्काउंट मिल जाएगा। ये कुछ ऐसा है, कैश बैक की तरह आप कह सकते हो, ऑनलाइन में बहुत सारे कैश बैक के ऑफ़र आते रहते हैं, तो सेम वही चीज़ें होती हैं, कोई डिफरेंट बात नहीं है। बस ये ऑफलाइन है, अब थोड़ा सा ऑनलाइन की चीज़ें आ रही हैं, तो वहाँ पे ऑफ़र भी अलग अलग हैं, पर रूप वही रहता है। 15% का डिस्काउंट है, लेकिन 4% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल रहा है। तो अगर किसी दुकानदार ने 200 रुपये का उस पर टैग लगा रखा है, तो बताना वो खिलौना कितने का मिलेगा अगर मैं दोनों डिस्काउंट ले लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि भाई 200 रुपये की चीज़ है, पहला डिस्काउंट मैं दे रहा हूँ कितने का, 200, उस कितने का, 15% का, 15%। तो 200 का 15% अगर आप निकालते हैं तो कितना आएगा, 30 रुपये। तो ये पहले डिस्काउंट के बाद तो ये चीज़ हो जाएगी 170 की, ओके जी। माइनस अगला डिस्काउंट है आपका 4% का, तो भाई 4% अगर मैं निकालता हूँ तो कितना आएगा, 6.8। मुझे बस इतना देखना है कि लास्ट में 0.8 आ रहा है, तो 0.8 घटाओगे तो क्या बच जाएगा, 0.2 बच जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। सिर्फ आपने ये देखना है 0.8 घट रहा है तो 0.2 बचेगा, बस इतने से ही काम चल जाएगा, आपने सारी चीज़ें तमीज से घटाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, क्या कहा गया, 1600 रुपये की एक वस्तु पर पहला डिस्काउंट 10 का है, दूसरा एक्स परसेंट का है, फाइनली आपने इतने की वो चीज़ बेच दी है, तो बताओ जरा आपका डिस्काउंट क्या होगा। भाई 1600 रुपये की कोई चीज़ थी, पहला डिस्काउंट है 10%, फिर यहाँ पे एक वैल्यू आई होगी, इस पे फिर आपने एक्स परसेंट का डिस्काउंट दिया, आपने ये चीज़ बेच दी 1224 की, तो आपने पता लगाना है कि ये डिस्काउंट जो है वो कितने का रहा होगा। ओके, 1600 का 10% कितना हो जाएगा, 160। 160 रुपये मैंने माइनस कर दिए, 160 माइनस करूँगा तो कितना रह जाएगा, तो आप कह सकते हैं 1440 रुपये की चीज़ रह गई। अब 1440 रुपये की चीज़ थी वो, भाई हमने माइनस करी तो वो इतने के बराबर आ गई। तो मैं एक काम ये देखता हूँ कि क्यों ना 10% देखता हूँ मैं, इसका 10% कितना होगा, तो 10% अगर देखूँ तो 144 रुपये आएगा। अब इसमें से 144 माइनस करता हूँ तो लास्ट में क्या आना चाहिए, 6, बट यहाँ पे तो क्या है, यहाँ पे तो 4 है, इसका मतलब 10 से कहीं ना कहीं थोड़ा सा ज़्यादा ही होगा। अगर मैं 20% भी निकालता हूँ तो लास्ट में 8 आएगा, 8 घटाऊँगा तो ये आएगा, मतलब आंसर जो है मेरा वो 10 भी नहीं है और 20 भी नहीं है, और 10 और 20 के बीच में एक ही ऑप्शन है। तो क्या आप कह सकते हैं कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो सकता है। एक बार दोबारा समझे मैं क्या कह रहा हूँ, अगर मैं इसका 10% निकालता हूँ तो 144 रुपये आएगा, अगर 4 माइनस होगा तो लास्ट में यहाँ पे क्या बचना चाहिए था, 6 बचना चाहिए था, बट 6 तो है नहीं, तो ये तो गलत हुआ, तो 10 तो हो नहीं सकता। 20 निकाल लेता हूँ, 20 क्या हो जाएगा, तो 20 इसका निकालता हूँ तो 288 होगा, अब माइनस करूँगा तो 2 आना चाहिए, बट यहाँ पे क्या है, 4 है, तो फिर से गलत है, यानी कि 10 भी नहीं है, 20 भी नहीं है, बट है इनके बीच में, तो भाई आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई होगी, तो आप बिना भाई वैल्यू निकाले भी आप आंसर कर सकते हैं। और एक चीज़ आप याद रखें, ऐसा नहीं है कि एक मेथड है वो आप उसे हर जगह घसीटते चलेंगे, जहाँ पे आपको लगता है कि भाई ये अप्रोच करके भी आंसर आप इजीली निकाल सकते हैं, तो अलर्ट रहना हर क्वेश्चन पे, आपने अलर्ट रखना है अपने माइंड को कि भाई ठीक है पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन तक पहुँचते पहुँचते हमें थोड़ा सा हिंट मिल रहा है तो अपना आंसर हम कर सकते हैं, तो उससे भी काम चल जाएगा। कहीं पर लगता है कि नहीं प्रॉपर आंसर निकालना ही पड़ रहा है, तो भाई प्रॉपर भी निकालेंगे, बाई ऑप्शन से काम चल रहा है तो वो भी चलाएंगे, मतलब आपके पास अलग अलग वेज हैं, जो जहाँ पे भी सटीक बैठता है आपने वही करना है। और सरकार का काम भी भाई आपसे यही है, ऐसा कुछ नहीं है कि वो मैथ सोल्व करवाना चाह रहे हैं आपसे,
वो भाई आपके अलर्टनेस ऑफ माइंड को ही चेक करते हैं कि ये बंदा कितना ज़्यादा एफिशिएंट है, अगर हम इसे एक पर्टिकुलर टाइम देते हैं उसमें चीज़ों को कितने अच्छे से हैंडल कर पाता है, आंसर कर पाता है। हाँ कुछ चीज़ ऑब्वियस ही बात है भाई, आपकी इंग्लिश वगैरह या जीके वगैरह ये सारी चीज़ें चेक तो होती हैं कि बंदा थोड़ा अवेयर तो हो कम से कम, ठीक है, बट आपसे चेक किया जाता है फाइनली कि आप विद इन टाइम किसी चीज़ों को कितने अच्छे से हैंडल कर पा रहे हैं, ठीक है। तो सवाल के थ्रू ही वो चेक चीज़ें चेक की जा सकती हैं, ठीक है। एक एक बच्चे को तो बुला के चेक नहीं कर सकते, तो इसलिए भाई एग्ज़ाम वगैरह रखे जाते हैं कि बच्चों को भाई कैसे हम ऑब्ज़र्व करें। चलिए तो सवाल नंबर 10 की बात करते हैं, क्या कहा गया, अंकित मूल्य जो है वो 150 रुपये है, दो डिस्काउंट है, एक 20 का एक एक्स का, और आपने 108 में वो चीज़ बेच दी, ठीक है। तो देखते हैं 150 रुपये की चीज़ है, पहला डिस्काउंट कितने का है, 20% का, माइनस किया मैंने 30 रुपये कम कर दिए, यानी कि तो हमने यहाँ पे कितने रुपए कम कर दिए, 30 रुपये, कितने की वो चीज़ हो चुकी है, 120। आपने यहाँ पे एक्स परसेंट का डिस्काउंट दे दिया, कितने की भी चीज़ बेच दी, 108 के, तो आपने 120 वाली चीज़ 108 में बेच दी, कितने का डिस्काउंट आपको दिख रहा है, क्योंकि घटाना तो कोई मुश्किल काम यहाँ पे बचा ही नहीं। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो 12 रुपये का डिस्काउंट दे रहा हूँ भाई, अगर 120 पे आप 12 का डिस्काउंट दे रहे हो तो आप साफ साफ देख पा रहे हो कि 10% ही तो है, 120 का 10% क्या होगा, 12, यानी कि आप सिंपल सी बात है कोई मुश्किल तो चीज़ बची ही नहीं, 10% साफ साफ दिख रहा है, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है, सारे सवाल दिल तक आपके दिल तक दस्तक दे रहे हैं ना। हाँ सर दे तो रहे हैं, ओके जी। अगला सवाल देखें, 1 लाख रुपए की कोई चीज़ थी, बिल था बल्कि 1 लाख का, 40% की एक छूट है और दो कंटिन्यू यानी क्रमागत छूट मिल रही है आपको, एक है 36%, एक है आपका 40%, दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो अंतर होगा। आपको ये बात तो पता ही लग चुकी है अभी तक कि 36 और 4 ये दिखने में 40 हैं बट एक्चुअल में ये नहीं होते 40, और एक तरफ है सिंगल 40 और एक तरफ है ये दोनों, तो क्या ये बराबर है, बिल्कुल बराबर नहीं है, ये इन दोनों में कुछ ना कुछ अंतर मिलेगा। चलो चेक करते हैं, 36% और 40% का सिंगल डिस्काउंट अगर मैं निकालता भी हूँ तो क्या आएगा, तो ये 40 लिखा मैंने, माइनस इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो 1.44, मैं सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहा, मैंने इसको इतना ही लिखा, ये तो हो गया इन दोनों का आपका क्रमागत छूट हो गई, सक्सेसिव डिस्काउंट। अगर एक तरफ तो सिंगल डिस्काउंट था 40% का, अब इन दोनों में आपको अंतर निकालना, अंतर कितने का दिखाई दे, अगर मैं घटाता हूँ तो 40 से 40 कट जाएगा, सिर्फ क्या रह जाएगा, 1.44%, यानी कि इनके बीच में इतने प्रतिशत का अंतर आएगा। बिल कितने का है, 1 लाख, तो भाई 1 लाख पे अगर आप ये डिस्काउंट निकालते हैं, ये डिफरेंस निकालते हैं, तो क्या आएगा, मुझे तो नहीं लगता कि भाई आपको पेपर में ये करके देखने की भी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, मैं तो करवा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए स्टार्टिंग टू एंड, पर इसके बाद तो मुझे नहीं लगता, आपको 144 दिख रहा है और जिससे आप मल्टीप्लाई करने वाले हैं वो सभी 0-0 हैं, यानी कि ये तो पता लग गया 144 की फॉर्म में ही कोई आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है मुझे, इससे ये कैंसिल, और इसमें 2 डेसिमल है तो 2 0 भी कैंसिल हो जाएंगे, तो आप कह सकते हैं 1440, ये भाई आपका आंसर हो जाएगा। कोई मुश्किल काम नहीं है, बड़े ही प्यार से आप कर सकते हैं, एक सिस्टमेटिक तरीके से अपने आप सवालों को करते जाएं, डेफिनेटली आंसर तो आना ही आना है और आपकी समझ भी बढ़नी है। क्वेश्चन नंबर 12 देखना, क्या कहा गया, एक व्यक्ति का अंकित मूल्य पर 20% की छूट देकर अपने 150 रुपये बचाता है, यानी कि किसी के भाई एक छूट मिली है 20% की, उसकी वजह से सपोज मैं कहीं गया, उन्होंने कहा 20% की छूट है इस चीज़ पे, मैंने कहा ओके, और 150 रुपये मेरे सेव हो गए, तो अब ये बताओ कि मैं पे कितने करके आया, ओके। अच्छा सर इसका क्या मतलब है, देखो भाई 20% की छूट मिली है, 20% का डिस्काउंट है, इसका मतलब क्या हुआ कि 1/5 है ये, 1 रुपये का डिस्काउंट है, 5 रुपये क्या है MRP है, यानी कि आप पे कितना करके आए होगे, तो आप कहोगे सर 4 पे करके आए होंगे, क्योंकि डिस्काउंट हमेशा किस पे मिलता है MRP पे, तो 5 की चीज़ पे 1 का डिस्काउंट मिलेगा, यानी कि आप पे कितने का करके आए हो, 4 पे करके आए हो, ओके सर। अब आपकी बचत कितने की हो रही है, 150 की, 150 का मतलब जो डिस्काउंट है उसकी वैल्यू कितने के बराबर है, 150 के, तो 4 की वैल्यू बतानी है आपने, तो 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 600 रुपये, यानी कि आप कह सकते हो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई,
हाँ जी सर, अच्छा क्वेश्चन था। चलिए एक और सवाल है, बढ़िया सा खूबसूरत सा। दो दुकानदार हैं, एक दुकानदार ने क्या क्या स्कीम निकाली है, 30% एंड 6%। एक तरफ तो भाई ये दुकानदार बैठा हुआ था, दूसरी तरफ एक दूसरा दुकानदार है, वो कह रहा है भाई हम 20% एंड 16% का डिस्काउंट देंगे। अब 700 रुपये की एक चीज़ थी, MRP 700 रुपये की एक मशीन थी, आपको बस ये पता लगाना है दोनों दुकानदारों के बीच में क्या डिफरेंस आएगा, क्या दोनों दुकानदार बराबर होंगे या इनके बीच में कोई अंतर आएगा, ये आपने ढूंढ के लाना है। अंतर ही है क्योंकि पूछा है, तो ऑब्वियसली बात है डिफरेंस होगा ही होगा। वैसे दोनों दुकानदार आपको पता लग रहे हैं देखने में, दोनों दुकानदारों को देखो जरा, ये भी 30 जमा 6 36 की फीलिंग आ रही है नहीं 36, यहाँ भी 20 जमा 16 36 की फीलिंग आ रही है, बट ये भी नहीं है एक्चुअल में। ये दोनों के दोनों भाई हमें गुमराह कर रहे हैं, बट हम नहीं होंगे, हम निकालेंगे सिंगल डिस्काउंट ताकि मैं पर्दाफाश कर सकूँ इनका। तो भाई हमने क्या करा, इनका सिंगल डिस्काउंट निकाला, 30 जमा 6 माइनस 30 गुणा 6 बटे में 100। तो अगर इसे मैं लिखूं तो 36 माइनस लिख सकता हूं भाई 1.8, कोई आपत्ति तो नहीं तुम्हें? मैं घटा नहीं रहा, इतने पे ही छोड़ रहा हूं ताकि सब ट्रेड करने में मुझे आसानी रहे। इन दोनों को सोल्व करते हूं तो भाई 20 जमा 16 माइनस 20 गुणा 16 बटे में 100, यानी कि ये हो जाएगा 36 माइनस 3.2%, ये आ गया। क्लियर है? इन दोनों के बीच में क्या आपको कोई अंतर दिखाई दे रहा है? हाँ सर, दोनों में 36 तो कॉमन है, ये तो कट ही जाएंगे। 3.2 और 1.8 में माइनस माइनस छोड़ो, बस आपने अंतर देखना है, ठीक है? क्योंकि ऐसा कुछ नहीं हमने किस दुकानदार को ऊपर रखा है नीचे रखा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें गैप देखना है बस, ज़्यादा या कम कौन है उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मैं घटाऊँ तो इन दोनों के बीच में कितने परसेंट का गैप है, 1.4% का गैप है। अब 700 रुपये की चीज़ पे इतने रुपये का गैप आ रहा है, तो भाई क्या आंसर होगा? तो ये हो जाएगा 9.8, इतने रुपए का इनके बीच में अंतर आएगा, यानी कि जो ऑप्शन नंबर ए है ये आपका करेक्ट होगा, यानी कि 9.8 रुपए का इनके बीच में डिफरेंस है। हालांकि दोनों दुकानदार जो डिस्काउंट दे रहे हैं वो हमें दिखने में बराबर लग रहे हैं, बट एक्चुअल में ये है नहीं। हाँ जी प्यारे बच्चों, समझ में आ रही है बातें? पक्का? ओके चलो फिर आगे। 30% की छूट और दो क्रमागत छूट है, एक 20% एक 10%, इनके बीच का जो अंतर आया, मतलब क्या कहानी थी। एक तरफ तो भाई कहा गया कि सिंगल डिस्काउंट है 30% का, दूसरा ऑप्शन दिया गया कि क्या आप 20 और 10 ये डिस्काउंट लोगे। तो सपोज मेरे सामने ऑप्शन रखा गया एक 30% का और एक ये वाला, तो मैंने इसे देखा, जब तक ये दोनों अलग अलग दिखते हैं तो हम समझ नहीं पाते, इसलिए हम इसको कन्वर्ट करते हैं सिंगल डिस्काउंट 20 जमा 10। अब तो तुम इसके भाई महारत हासिल कर चुके होगे कि कैसे निकलेगा ये, तो ये 28% है। क्या इन दोनों के बीच में कोई गैप है? हाँ जी बिल्कुल गैप है 2% का, और वो कितने के बराबर गिवन है, 144 के। तो आपने 100% की वैल्यू पता लगानी है, दो की वैल्यू ये है, तो अगर मैं काट दूँ तो एक की वैल्यू निकल जाएगी 72, आपको 100 की वैल्यू निकालनी है तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7200, ये भाई आपका आंसर आ जाएगा। किसी प्रकार की किसी को प्रॉब्लम है तो बता सकते हैं, कमेंट करते रहें और बताते रहें क्या कुछ दिक्कतें हैं। हाँ जी, वैसे तो मुझे लग नहीं रहा कि किसी प्रकार की परेशानी आई होगी, फिर भी प्यारे बच्चों कोई डाउट है तो बताते रहें, और यहाँ तक वीडियो अगर कोई देख रहा है तो भाई डेफिनेटली वो काफ़ी सीरियस है अपनी पढ़ाई को लेके, अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। एक दुकानदार है, 800 रुपये की कुर्सी को वो 10% तथा 15% की छूट पर ख़रीदता है, उसे लाने पे इतना खर्चा कर देता है और बाद में कुर्सी को 800 में बेच देता है। कहने का मतलब क्या है? आपको पता है जब भी आप शॉपिंग करते हैं कहीं से दुकानदार के तौर पे आप कुछ ख़रीदने जाते हैं, तो आप क्या करते हैं भाई, सबसे पहले वहाँ पर जाएंगे तो एक टैग लगा होगा, आप उससे थोड़ा सा कम ही ख़रीदोगे क्योंकि आपको भी तो बेचना है, ठीक है? एक डिस्काउंट 10 का मिला, फिर एक डिस्काउंट 15 का मिला, फिर आपने ये चीज़ ख़रीद ली, फिर उसके बाद बीच में भाई ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी आ गया 28 रुपये, फाइनली इतना कुछ आपने इसमें दिया पे किया, और आप चाहते हो ये मैं सेल कर दूं वापस कितने में, 800 में। तो
तो कितने रुपए आप कमा सकते हो भाई। आप ये देख लो, ये फाइनली चीज़ आपको कितने की पड़ी, आप कितने का बेचने वाले हो, तो ये चीज़ें हम इसमें चेक करते हैं। 800 का 10%, तो 10% की अगर हम बात करें तो भाई 80 रुपये कम हो जाएंगे, यानी कि 720 रुपये आ गए। उसके बाद अगर हम देखें 15% माइनस करना है, अब 72 का 15% माइनस करना है, 72 का वैसे 10% क्या होगा, तो भाई 72 रुपये, 5% और चाहिए तो भाई इसका हाफ़ कर लो यानी कि 36 रुपये, तो 108 रुपये टोटल डिस्काउंट हो गया इसके हिसाब से। तो 108 माइनस कर लो, 108 अगर मैं माइनस कर लूँ तो भाई क्या आ जाएगा, 612। 612 में आपने वो चीज़ खरीदी, लेकिन आपने 28 रुपये बाद में ट्रांसपोर्ट पे भी खर्च किया, तो भाई ये आपकी कॉस्ट में तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा। तो सीपी की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप कह सकते हो 640। अब 640 की चीज़ आपने कितने की बेच दी है, तो 800 में कितने का फ़ायदा हो रहा है, 160 का कितने पे, 640 पे। ये हम देख रहे हैं 1/4, 1/4 बताओ कितना होता था परसेंटेज में, आपने पढ़ा था। हाँ सर पढ़ा तो था, 25% होता है। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, 25% आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, क्या कुछ कहानी है इसे भी समझते हैं। तो सिमिलर क्वेश्चन है, इससे पहले हम डिस्कस कर चुके थे एक सवाल। तो भाई एमआरपी है 400 रुपये, ये हमने लिखा एमआरपी है 400 रुपये, 8% की छूट पर बेचा जाता है, लेकिन क्योंकि गणेश पूजा है इसलिए हमने 8% का डिस्काउंट और दे दिया, यानी कि दो डिस्काउंट दिए हैं 8 और 8 के, ठीक है। अगर कितना डिफरेंस आ जाएगा अगर मैं 16% का एक सिंगल डिस्काउंट आपको दे देता, अगर एक सिंगल छूट दे दूं, तो कितने रुपए कम में मुझे खिलौना मिल जाता, यानी कि आपने डिफरेंस ही तो पता लगाना है। एक तरफ मैंने आपसे कहा कि भाई एक आपके पास ऑप्शन है कि 8-8% के दो डिस्काउंट ले लो, और दूसरी तरफ मैंने आपसे कहा कि 16% का सिंगल डिस्काउंट ले लो। तो ये मैंने कहा कि दो ऑप्शन है आपके पास, तो मैंने फिर से इसको सिंगल फॉर्म में कन्वर्ट करके देखा, तो 16 एक बार याद है जुड़ते हैं 8 जमा 8, और माइनस 8 × 8/16, 8/100, तो 16 − 0.64, मैं घटाऊंगा नहीं, इतने पे ही रखूंगा, और ये 16% है लाल पेन से। बताओ जरा इन दोनों में कितने का अंतर आ रहा है। तो सर आप कहेंगे कि भाई 0.64% का डिफरेंस आएगा, यानी कि इन दोनों में इतने का डिफरेंस आएगा, तो देखना क्या होगा। तो भाई आप कह सकते हैं 400 रुपये की चीज़ पे 0.64% का डिफरेंस है, इससे ये कैंसिल, मल्टीप्लाई करूँ 64 की 4 से 256, दो के बाद डेसिमल, 2.56। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, कोई डाउट तो नहीं, कोई दुविधा तो नहीं, सब अच्छे से चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहा गया, एक वस्तु का जो अंकित मूल्य है वो 100 रुपये है, दुकानदार इस प्रकार की 3 वस्तुओं को फाइनली 274.5 में बेच रहा है, तो छूट बता दो। भाई एक आर्टिकल 100 रुपये का, तो 3 कितने के हो गए, तो आप कहेंगे 300 रुपये का, ये तो मेरा एमआरपी आ गया। आप इसे बेच रहे हो कितने का, 274.5 में, कितने का गैप आ गया। तो अगर मैं माइनस कर देता हूँ तो आप देख पा रहे हैं लास्ट में 0.5 आ गया, उसके बाद ये माइनस कर रहा हूँ तो ये कितना आ जाएगा, 25.5, इतने का इनके बीच में अंतर है। तो भाई ये डिस्काउंट मिल रहा है, कितने पे मिल रहा है, 300 पे। तो अगर मैं इसे डिवाइड बाई 300 कर दूँ, मल्टीप्लाई 100 कर दूँ, सो 0 से 0 कट किया मैंने, तो 8.5%, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। हाँ जी बाल को क्लियर है इतनी बातें, सब ठीक ठाक समझ में आ रहा है। हाँ जी सर, आप समझाओ और समझ ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है। ओके, तो चलो फिर अगले सवाल पे, 18th क्वेश्चन क्या कहा गया 18 में, एक ग्राहक को एक सामान के अंकित मूल्य पर 2.5% की छूट मिलती है, डिस्काउंट है 2.5%, भाई कितने की वो उसने चीज़ खरीदी है, तो 39 में। 2.5% को आप कह सकते हो 1/40, 25% होता है 1/4,
तो 2.5% क्या होगा, नीचे एक जीरो लग जाएगी, यानी कि 1/40। 1 रुपये का डिस्काउंट है, 40 रुपये की आप वो चीज़ बेच रहे, मतलब सॉरी MRP 40 रुपये है, तो बेच कितने अगर रहे होगे, तो 39 का। भाई जो 39 है वो एक्चुअल में रुपीज़ में भी 39 के बराबर ही है, तो इक्वली आ गए, ठीक है। ये हालांकि हमने रेशो से निकाला, बट ये बाय डिफ़ॉल्ट 39 39 रुपये के बराबर ही आ गया। तो एक की वैल्यू कितने रुपए के बराबर होगी, तो आप कह सकते हो 1 रुपये के बराबर होगी। आपको MRP निकालना है, यानी कि 40 की वैल्यू निकालनी है, तो भाई 40 रुपये के बराबर ही होगी ना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है इतनी बातें? अगला सवाल देखना भाई, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। क्या कहा गया, एक वस्तु पर 15% की छूट है और दूसरी वस्तु के 20% की छूट के बराबर है, तो इन दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य ज्ञात करने आपने, यानी कि हमने खरीदा कितने का था। यानी कि अगर हम बात करें तो पहले का जो 15% है वो दूसरे के 20% के बराबर है, तो अपने इनकी विक्रय मूल्य वैल्यू बतानी। अब एक बात देखें, इस पूरे क्वेश्चन में कहीं भी रुपीज़ का तो जिक्र है नहीं, तो भाई हम इस चीज़ को समझेंगे कैसे वो देखना। तो हमने फर्स्ट और सेकंड की रेशो निकाल ली, रेशो का मतलब यहाँ से हमें इनके कॉस्ट प्राइस की वैल्यू पता लग जाएगी, 20/15, यानी कि 4:3। मुझे भाई ये पता लग गया कि जो मैंने दोनों आर्टिकल खरीदे थे वो 4:3 में खरीदे थे। तो आप बस ये जाके देख सकते हो अपने ऑप्शंस में कि भाई किसकी रेशो 4:3 आ रही है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो डी ऑप्शन आप नज़र मारें, तो इनको अगर मैं कट करता हूँ तो कट करने पे आप देख पा रहे हैं 20 की टेबल से 4:3 के बराबर आ सकते हैं, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट रहा होगा, क्योंकि हमारे पास रुपीज़ का जिक्र तो है नहीं सवाल में, तो भाई हम बता भी नहीं सकते। तो हमारे पास एक यही तरीका बचता है कि वो बिका कितने का होगा, तो भाई वो 80 और 60 में ही बिकने की संभावना है, एज़ पर ऑप्शन 80 और 60 में ही आप उसे बेच सकते हैं। ओके सर, क्वेश्चन नंबर 20 देखें, आई थिंक जाना पहचाना लग रहा होगा आपको, एक अपनापन सा महसूस हो रहा है। 1000 रुपये की चीज़ है और डिस्काउंट है 10 और X%, और X% आपने वही बताना है कि जो दूसरा डिस्काउंट है वो कितने का रहा होगा। क्या मैं आपको ये सवाल होमवर्क में दे दूँ? ठीक है, तो ये भाई आपके लिए होमवर्क है, ये आप मुझे कमेंट में इसका आंसर बताएंगे कि क्या आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो अपने भाई जो महत्वपूर्ण विचार हैं, जो आपके कमेंट है, वो हमें ज़रूर बताया करें। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही था। 20 क्वेश्चन की जो सीरीज़ आपकी चल रही है वो कंप्लीट हो गई है। तो भाई अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो भाई हमें इस वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करें इस पर, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि आपको भाई नोटिफिकेशन मिलती रहे, हर अपडेट मिलता रहे, क्योंकि काफ़ी सारे सब्जेक्ट हैं जो सारे सब्जेक्ट के टीचर आपको कवर करा रहे हैं GD का सिलेबस, तो वो कहीं ना कहीं आपके बेहद जो काम की चीज़ है, तो उसे मिस ना करें आप। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।